नमस्कार दोस्तों, चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं TGT PGT इंग्लिश के कुछ वन लाइनर्स जो सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर इन टेल ऑफ टू सिटीज़, डॉक्टर मैनेट एंड चार्ल्स टॉर्नी एंड जॉन बार्शार्ड, ये कैरेक्टर हैं किसके? टेल ऑफ टू सिटीज़ के। टेल ऑफ टू सिटीज़ किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने। इसमें टू सिटीज़ कौन है? लंदन एंड पेरिस। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। कैरेक्टर इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, माइकल हेंचार्ड, एलिजाबेथ जेन एंड डोनाल्ड फारफ्रे। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में ये कैरेक्टर हैं, माइकल हेंचार्ड, एलिजाबेथ जेन एंड डोनाल्ड फारफ्रे। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज थॉमस हार्डी ने लिखा है, 1886 में ये पब्लिश्ड हुई है। एन अपॉलॉजी फॉर पोएट्री हैज़ बीन डिवाइडेड बाई सिडनी इंटू 7 पार्ट्स। ये सिडनी के द्वारा 7 पार्ट्स में डिवाइडेड की गई थी। ये रिप्लाई था गोसून्स के एक प्ले आया था स्कूल ऑफ एब्यूज, ये उसका रिप्लाई था एन अपॉलॉजी ऑफ फॉर पोएट्री। फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, सेड बाई अलेक्जेंडर पोप्स एंड एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। ये लाइन अलेक्जेंडर पोप ने एस्से ऑन क्रिटिसिज्म में कही थी। एक प्ले भी है जो नॉवेल है किसका? फॉरेस्टर का, अवेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ये एक नॉवेल है फॉरेस्टर का। द कलकत्ता क्रोमोसोम बाई अमिताभ घोष, ये एक वर्क है अमिताभ घोष का, कलकत्ता क्रोमोसोम। लव्स लेबर्स लॉस्ट इज सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे। ये लव्स लेबर लॉस्ट जो है 1598 में आई थी। इसमें ये कोस्टर्ड एक करेक्टर है, इसमें डल ये एक करेक्टर रहता है, जिस ये कॉन्स्टेबल रहता है। और लव्स लेबर लॉस्ट की जो थीम है ये लव कॉन्कर्स ऑल, अमोर विंसिट ओमनिया है। अब फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉमेडी ऑफ माइनर्स, ये जो लव्स लेबर लॉस्ट है ये फर्स्ट एग्जांपल है कॉमेडी ऑफ माइनर्स का, अर्ली कॉमेडी ऑफ माइनर का। और इसमें एक करेक्टर है होलोफर्नेस, ये एक टीचर है। इसमें लव्स लेबर लॉस्ट को लास्ट में ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नर्न, नर्न बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, नर्न का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक वन विद इनवोकेशन, इनवोकेशन से स्टार्ट करते हैं। कीट्स फर्स्ट पोएम इज एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, आल्सो कैन बी ऑन लुकिंग एट चैपमैंस होमर। ये किड्स की फर्स्ट पोएम है। जॉन विल्सन क्रोकर इन 1817 सेड हंट किड्स एंड हैजलिट अ कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री। इन्होंने हंट किड्स और हैजलिट को कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री कहा है। किसने? जॉन विल्सन क्रोकर 1817 में। लास्ट बुक ऑफ गर्ल्स वर्दी इज ओवर द रिवर, गर्ल्स वर्दी को नोबल प्राइज कब मिला है? 1932 में। और गर्ल्स वर्दी ने ऑर्डर ऑफ मेरिट पाया कब? 1929 में। एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर आर स्टार्स इन हेवन, लाइन्स ऑफ ट्रॉयलस एंड कसेडा की है, एक्ट फोर सीन फोर में। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले एंड मेटाफर। कौन सी लाइन? एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर आर स्टार्स इन हेवन। वी मस्ट बिलीव दैट इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्लिटी इज एन इन एग्जैक्ट फार्मूला, दीज वर्ड्स अकर इन इलियट्स ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये इलियट, ये लाइन जो है इलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में आती है। इन मैकबेथ गोलगाथा द प्लेस वेयर क्रिस्ट वॉज क्रूसीफाइड इज मैंसन्ड, जहाँ पे क्रिस्ट का
क्रूसीफाइड मेंशन किया गया है। गोलगाथा एक प्लेस है मैकबेथ में। कॉर्पे डीम मीन्स सीज द डे और प्लग द डे। कॉर्पे डीम का मतलब सीज द डे और प्लग द डे। इस फिलोसफी वाज स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस द वर्ड टैलेंट मीन्स अ कॉइन। मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस में एक वर्ड है टैलेंट मतलब कॉइन। द क्रैकेन बाई टिनिसन एक वर्क है क्रैकेन जो टिनिसन के द्वारा लिखा गया है। अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। ये टिंटन एबी की लाइन है। टिंटन एबी किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ में, वर्ड्सवर्थ ने। रोमन अक्लिफ का मतलब होता है नॉवेल विद की। इस करेक्टर ऑफ नॉवेल कैन बी आइडेंटिफाइड विद रियल पर्सन। इसका मतलब होता है नॉवेल विद की का, नॉवेल विद की का मतलब ये होता है करेक्टर ऑफ नॉवेल कैन बी आइडेंटिफाइड विद रियल पर्सन। डिकेंस हार्ड टाइम्स पब्लिश इन 1854 डील्स विद द सोशल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मिड विक्टोरियन इंग्लैंड। मिड विक्टोरियन इंग्लैंड के की प्रॉब्लम्स ये डील करती है। द किचन सिंक ड्रामा इज मार्क्ड बाई डोमेस्टिक लाइफ। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।